बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद मी के एक और वीडियो के साथ मोहम्मद यासिर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट डे थ्री, पूरा का पूरा इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया और इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच में वे अहेड हो गई। अगर हम लोग बात करें रोज सुपर हिट शर्मा की आज कमाल की इनिंग और चितेश्वर पुजारा की वो 62 रन की इनिंग, जिसने इंडिया की टीम को इस मैच में इंग्लैंड के सामने काफ़ी ज़्यादा आगे खड़ा कर दिया। और अगर हम लोग बात करें इस ओवरऑल इस टेस्ट मैच की, तो रोहित शर्मा की जो ये इनिंग्स थी ये बहुत ज़्यादा क्रूशल इनिंग्स थी। उनके कैरियर डिफाइनिंग इनिंग्स अगर हम लोग बात करें तो वो रोहित शर्मा ने खेली। अभी तक हमने देखा है वाइट बॉल क्रिकेट में तो रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक कोई ऐसी सब्सटेंशियल इनिंग्स नहीं खेल सके थे रोहित शर्मा जिस पर वो नाश कर सके। लेकिन आज की जो इनिंग्स थी उसने इंडिया की टीम को इस मैच में, इस सीरीज़ में बचाने में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। अभी हम अगर हम मैच की करंट सिचुएशन की बात करें तो जब बैड लाइट्स की वजह से डे को स्टॉप किया गया तो इंडिया का स्कोर 270 और एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स था, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी के साथ ही डे ऑफ हो जाएगा जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो अब जब नेक्स्ट डे का आगाज़ होगा तो इंडिया की टीम, हम लोग बात करें तो 99 रन की जो इंग्लैंड की और लीड थी फर्स्ट इनिंग्स की उसको निकाल भी दिया जाए तो इंडिया की टीम 171 रन अहेड है और यहाँ से 3 ही विकेटें गिरी हैं। विराट कोहली अभी क्रीज पर मौजूद हैं। जो लोग, जो दोस्त देखना चाहते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से कब हमें सेंचुरी देखने को मिलेगी, तो डेट माइट बी द डे, जो कि फोर्थ डे होगा इस टेस्ट मैच का, कि विराट कोहली की तरफ से हमें 71st इंटरनेशनल सेंचुरी देखने को मिलती है कि नहीं। दोस्तों तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया, विराट कोहली ने किसी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं बनाई है। मे भी हो सकता है कि ये जो ओवल टेस्ट मैच का फोर्थ डे है ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हमें विराट कोहली की तरफ से एक मैच सेविंग इनिंग्स देखने को मिलेगी, बल्कि मैच विनिंग इनिंग्स देखने को मिलेगी इंडिया की टीम, क्योंकि इस मैच को जीत सकती है। अगर कहीं ना कहीं इंडिया की टीम ने टारगेट दे दिया इंग्लिश क्रिकेट टीम को 270 प्लस का, तो इंडिया की टीम से यह मैच कोई नहीं छीन सकता। अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में है, शानदार क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दी है, और अगर यहां से इंडिया की टीम इस मैच को जीत लेती है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि एक बार आपने 99 रन की डेफिसिट कंसीड की उसके बाद भी आप इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि इंडिया की टीम अचीव करने जा रही है। तो इस टाइम अगर हम लोग बात करें सीरीज की ओवरऑल, तो फर्स्ट टेस्ट मैच जो था वो बारिश की नज़र हुआ, सेकेंड लॉर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम, इंडिया की टीम ने जीता। लीड टेस्ट मैच की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने शानदार कमबैक किया, और अब ओवल टेस्ट में एक बार फिर से इंडियन टीम जो है वो हमें शानदार कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है। तो सीरीज़ में एक मैच में इंग्लैंड वार करती है, दूसरे मैच में इंडिया की टीम वार करती है। अब देखते हैं फाइनल वार कौन सी टीम करती है और इस सीरीज़ को कौन सी टीम जीतने में कामयाब होती है। हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों का फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी आने वाली अगली वीडियो तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।